क्या नाम है आपका? शहरयार। शहरयार, मोबाइल फ़ोन्स और फ्री एप्स फ़ायदा देती हैं यूथ को या नुकसान? ये एज पे डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज़ करते हैं। वैसे एज पे कैसे डिपेंड करता है? एज पे मतलब कि FSC तक किसी को भी नहीं देनी चाहिए, मतलब ख़ास कर ये छोटों को, इनको इससे दूर रखना चाहिए क्योंकि ये बच्चे जो है ना इससे ख़राब होते हैं। और किस तरह ख़राब होते हैं? मतलब फेसबुक और ट्विटर, इंस्टा वगैरह, ये एज नहीं है इनकी कि मतलब ये कुछ, ये आगे जाके भी कम्युनिकेशन सीख सकते हैं और सब कुछ सीख जाएंगे जैसे हमने भी सीखी हुई है अपनी एज में। तो FSC में आपके पास फ़ोन था? नहीं जी, फ़ोन नहीं था मेरे पास। तो मतलब आप ख़राब नहीं हुए? नहीं जी। और अगर बाद में दिया जाए तो फिर लोग ख़राब नहीं होते? नहीं, फ़ोन देना ये नहीं, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है तो फ़ोन देना चाहिए, लेकिन मैच्योरिटी एक होती है ना, अगर आप मैच्योर हैं तो फिर आप यूज़ करें तो आप पे असर नहीं पड़ेगा। आपने इसको किस तरीके से यूज़ किया और कितना यूसेज है आपका फ़ोन का दिन में? दिन में 2 to 3 hours। अच्छा, सिर्फ नेसेसरी कम्युनिकेशन? जी जी बिल्कुल। तो आप फिर दिल की बातें तो करते नहीं होंगे? नहीं नहीं, क्योंकि 2-3 घंटों में वो तो हो नहीं सकती। नहीं बिल्कुल, वो बातें नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, निकाह मैंने किया हुआ है। सॉरी। अच्छा, तो उन्हीं से दिल दिया गल्ला करते हैं ना? नहीं जी, वो सॉरी से निकाह कर लेते, उन्हें से तो दिल की बातें करने का ज़्यादा चाव होता है। वो उसके बाद, शादी के बाद वो काफ़ी टाइम होता है। चलें ठीक है, हमारे प्रोग्राम का नाम है दिल दियां गल्लां, तो कैमरे में देखिए कोई दिल दी गल सुना दें। कोई भी नहीं है जी मेरे पास इस टाइम।